बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 2000 स्क्वायर मीटर जमीन दी है। ये जमीन नाट्य विहार कला केंद्र बनाने के लिए दी गई है। नाट्य विहार कला केंद्र के लिए हेमा मालिनी को जमीन दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अलॉटमेंट लेटर भी सौंप दिया है। 2000 स्क्वायर मीटर की जगह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी गई है, जहां हेमा मालिनी नाट्य विहार कला केंद्र बनाएंगी। ये जगह मुंबई के अंधेरी इलाके में है। हेमा मालिनी ने महाराष्ट्र सरकार के पास साल 1996 में अर्जी दी थी, जो अब तक पेंडिंग थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार राज में आते ही हेमा को जगह मिल गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, हेमा ने 1996 में एप्लीकेशन दी थी और अब उन्हें नाट्य विहार कला केंद्र के लिए यह जमीन दी गई है, इसके बारे में और डिटेल आपके पास क्या है? बिल्कुल राशिद, कह सकते हैं महाराष्ट्र सरकार हेमा मालिनी पर मेहरबान हुई, और मेहरबान ही नहीं बल्कि कौड़ियों को भाव में 2000 स्क्वायर मीटर की जगह उन्हें अलॉट कर दी है। जो सिलसिला पिछले 20 साल चला रहा था राशिद, 20 साल से किसी भी सरकार ने उस पर कोई भी मुहर नहीं लगाए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही हेमा मालिनी एकनाथ खड़से जो रेवेन्यू मिनिस्टर है महाराष्ट्र, उनसे मुलाकात की थी हेमा मालिनी ने, और उसके बाद इतना आनंद फानन हुआ कि आज एकनाथ खड़से ने उन्हें लेटर सौंप दिया, अलॉटमेंट लेटर जो होता है पहला वह सौंप दिया गया, यानी हेमा मालिनी को यह 2000 स्क्वायर मीटर। आपने ये कहा है कि कौड़ियों के भाव ये जमीन दी गई है, कौड़ियों के भाव से मतलब क्या है? अभी एग्जैक्ट इसका रेट, क्योंकि मैं थोड़ा पहले जो एकनाथ खड़से जो रेवेन्यू मिनिस्टर उनसे हमारी बात की, उनका एक कहना है कि हम रेडी रेकनर रेट के हिसाब से यह जगह देंगे। रेडी रेकनर एक कलेक्टर तय करेंगे कि रेट क्या होगा, लेकिन यह साफ है कि यह अलॉटमेंट कर दिया गया। अलॉटमेंट के बाद तमाम और प्रोसीजर होते हैं, राशि प्रोसीजर के बाद तय की जाएगी कितने पैसे उनसे उसमें जाएंगे, लेकिन यह साफ है। बताइएगा, जो जमीन दी गई है वो मुंबई के अंधेरी में है, इसका मार्केट रेट क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, अगर जो मुंबई जो अगर अंधेरी की बात करें हम, राशिद, अंधेरी के जो इलाके का रेट करीबन जो है, अगर हम आम भाषा में बात करें तो करीबन 80,000 से 1,00,000 या 1,20,000 के आसपास का रेट होता है। मैं स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि 2000 स्क्वायर मीटर है, 2000 स्क्वायर मीटर अगर हम उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो करीबन 20,000 से 25,000 स्क्वायर फीट की जगह जो दी गई है हेमा मालिनी को या पूरे उनके कला केंद्र के लिए बनाने के लिए। यह साफ है कि महाराष्ट्र सरकार मेहरबान हुई पूरी तरह से हेमा मालिनी पर, मेहरबान होने की वजह से ही इन्हें यह पूरी जगह दी गई है। शुक्रिया आपका।